अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिदरा और आप देख रहे हैं अमेजिंग फूड विद सिदरा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है होममेड कंडेंस्ड मिल्क, जो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हम इसको एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं: हाफ कप मिल्क पाउडर, 4 टेबल स्पून शुगर, 4 टेबल स्पून घी, हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, इसमें हमने डाल दी है मिल्क पाउडर, घी डाला है इसमें हमने, आइसिंग शुगर डाली है इसमें, कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और बेकिंग सोडा ऐड किया। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना और इसमें ऐड करना है आधा कप गर्म पानी। वो भी आस्ता आस्ता करके हमने पानी ऐड करना है। अगर एक साथ हमने पानी नहीं डाल देना, नहीं तो हमारी खराब हो जाएगी बिल्कुल। अब इसको मसलसल हमने हिलाते जाना है, इससे हमारी हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगा, बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट। मैंने ये 100 ग्राम बनाया है। अगर आपने ज्यादा चाहिए आपको ज्यादा मिकदार में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। आप देख रहे हैं बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमने इसको मजीद पकाना है। आप देख रहे हैं इसकी थिक सा पेस्ट बन गए। हमने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना। जब ये ठंडा होगा तो हम इसको जार में डाल के 1 हफ्ते के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। हमारा होममेड कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी लाइक वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।